जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। आई एम मीना, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आलिया भट्ट इंस्पायर गंगूबाई मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी को तो पता ही होगा इनका ये लुक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर सभी लुक क्रिएट कर रहे थे। और मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, फाइनली आज मुझे टाइम मिल ही गया। तो वैसे तो वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही बना ली थी बट एडिट का टाइम मुझे आज मिला तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो कुछ इस तरह से मेकअप लुक निकल के आया है, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन केयर कर ली है। कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप ज़रूर कर लें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे NYBA का प्राइमर लेके अपने फेस को पे अप्लाई कर लिया है। आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, आपके ऑयल को बाहर आने से रोकता है, काफ़ी अच्छा बजट फ्रेंडली है। वैसे इसकी पैकिंग चेंज हो गई, मेरे पास पहले का था। तो बस इसके बाद यहाँ पे मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ ये ओलिविया की पैन स्टिक, काफ़ी अच्छी स्टिक है गाइज। इसमें जो मेरा शेड है वो है 04 नेचुरल। तो इसको मैंने इस तरह से अप्लाई करके और एक फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है और बहुत ही नेचुरल लुक देता है आपको। इसको आप एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही हाई कवरेज देता है। पार्लर वगैरह के मेकअप में ज़्यादातर बेस के लिए यही स्टिक यूज़ होती है, चाहे ब्राइडल बेस हो या फिर कोई सा भी मेकअप करना हो। तो अब यहाँ पर मैंने NYBA का कंसीलर लिया है जिसमें इसका शेड है 01 और काफ़ी अफोर्डेबल बजट में कंसीलर है, आपको ये मीडियम कवरेज दे देता है। तो अंडर आई एंड आई लिड पे लगा के माउथ के अराउंड मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है कंसीलर ब्रश की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाइट टोन पाउडर लिया है, इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। कुछ इस तरह से मैं बेकिंग कर ले रही हूँ पहले, और अभी तो जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बेक ज़रूर करें अपने फेस से, इससे आपका जो एक्सेस ऑयल है एब्जॉर्ब हो जाता है और मेकअप आपका लॉन्ग स्टे करता है। सो चलिए आईब्रो को फिल कर लेते हैं। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का आईशैडो पैलेट। इसमें से मैंने ब्लैक शेड लेके एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। अगर आपने गंगूबाई का रोल देखा होगा तो उसमें इनकी जो आईब्रो है काफ़ी ज़्यादा थिक है और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिखती है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। तो थंबनेल पे आपने पिक तो देखी होगी, तो थोड़ी सी थिक आईब्रो मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। कोई भी आई शेडो पैलेट से आप ब्लैक ब्राउन शेड लेके आप अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आईब्रो फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूँगी कुछ इस तरीके से। और जब तक मैं पाउडर डस्ट ऑफ कर रही हूँ तब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, वीडियोज़ को वॉच भी किया करिए, है ना। और कोई रिक्वेस्ट या सजेशन हो किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो, किसका इंस्पायर्ड मेकअप लुक देखना चाहते हो, भी कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन की ये इंस्टेंट मैट लिपस्टिक ली है जो कि ब्राउन शेड है और कॉन्टोर के लिए परफेक्ट है। अगर आपके पास कोई अलग से कॉन्टोर स्टिक नहीं है, आपके पास ब्राउन लिपस्टिक है, तो आप इस तरह से कॉन्टोर कर सकते हैं लिपस्टिक से। तो आपको यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दी है। तो लिपस्टिक कोई भी ब्राउन शेड की लिपस्टिक को आप एज अ कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो इस तरह से ब्लेंड कर लेना और बहुत ही अच्छे से मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाएगी। नोज़ पे भी मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ और फिंगर की हेल्प से नोज़ को कॉन्टोरिंग करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, कॉन्टोरिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो अब यहाँ पे अपने कॉन्टोर को शार्प दिखाने के लिए यहाँ पे मैं पाउडर इस तरह से अप्लाई करके देखिए इसको कट कर दूंगी ताकि जो हमारा कॉन्टोर है वो नीट एंड क्लीन दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी आई शेडो पैलेट से मैंने ब्राउन शेड पिक किया है और इसको मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो कुछ उसमें खास नहीं दिख रहा था पिक में, बस लाइट ब्राउन ही लग रहा था पूरा आईलिड। तो इसी तरह से मैं लाइट ब्राउन शेड लेके इस तरह से पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल आई मेकअप है
ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इस तरह से अप्लाई कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ब्लू हेवन का मैंने ये काजल लिया है, जेड ब्लैक काजल है गाइस, बहुत ही गजब का है, बहुत ही मतलब कम प्राइस में बहुत अच्छा काजल है। आप इसके साथ जा सकते हो, आपको अंडर 100 मिल जाएगा और लॉन्ग स्टे करता है, स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ है। तो इस तरह से देखिए मैं अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। और वहाँ पे जो आलिया भट्ट का ये गंगूबाई वाला लुक है, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी थिक काजल उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो इस तरह से मैं स्मच कर दूँगी एक ब्रश की हेल्प से। और फिर हाँ, आपको कोई सा भी ब्लैक आई शेडो लेके इसको अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि आपका जो काजल है स्मच ना हो बिल्कुल भी, और वहीं पे टिका रहे, लॉन्ग स्टे करे। अब लाइनर के लिए मैं सेम जो ब्रश में मेरे प्रोडक्ट लगा था, बस उसी को लेके मैं एक सॉफ्ट सा आई लाइनर बहुत ही थिन ड्रॉ कर ले रही हूँ, क्योंकि उनका जो आई मेकअप था लाइनर वगैरह नहीं था, बस उन्होंने थोड़ा सा बोल्ड काजल ही रखा था, तो उस तरह से कुछ मैंने किया। अब यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का, काफ़ी अच्छा है भी, बजट फ्रेंडली मस्कारा, आप सभी जानते हो मैं आप लोग के साथ में अफोर्डेबल चीज़ें ही शेयर करती हूँ, है ना। और क्या आप देखना चाहते हो, कौन सा मेकअप लुक देखना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट किया करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना पाऊँगी, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने एक पिंक शेड लिपस्टिक लेके एज अ ब्लश अप्लाई कर लिया है। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप लिपस्टिक ब्राउन लिपस्टिक से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, कोई भी पिंक शेड पीच शेड की लिपस्टिक है, लिक्विड हो या फिर बुलेट हो, उससे आप एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए बहुत ही नेचुरल ब्लश आया है ना। अब यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैंने ये बेक्ड हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट लिया है, इसमें से मैंने हाइलाइटर सेट पिक करके अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, बहुत ही लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी, नोज चीक ब्रिज ऑफ दी नोज। अब यहाँ पे हाईलाइटर डन हो गया है, यहाँ पे मैं अपने लिप को सेप दे रही हूँ एक लिप लाइनर की हेल्प से, तो अच्छे से आपको सेप दे देना है। सेप देने से क्या होता है ना, आपका जो लिप है कॉन्टोर हो जाता है, आपका जो लिप है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा दिख। अब यहाँ पे सेम मैंने ब्लू हेवन की इंस्टेंट मैट लिपस्टिक जिससे कॉन्टोर किया था उसको अप्लाई किया है, क्योंकि जो उनका लिप शेड है कुछ इसी तरह से है आलिया भट्ट का, तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे एक बड़ी सी बिंदी मैंने लगा ली, जैसे कि गंगूबाई लगाती हैं। अब यहाँ पे नोज पिन ये है वेयर कर लूँगी, कुछ इस तरह से ऑक्सीडाइज नोज पिन उन्होंने वेयर किया है, अब इयररिंग्स भी वेयर कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरह से इयररिंग मैंने कर लिया, अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि उनके चीक पे इस तरह से एक प्लस का निशान है, तो वो मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ एक लाइनर की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए फाइनल लुक, तो ये रहा गाइस मेरा फाइनल लुक, गंगू भाई इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जैसे मैंने सोचा था कुछ उसी तरह से टर्न आउट हुआ है। तो आप सभी को कैसा लग रहा है, आई नो अच्छा ही लग रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हेयर स्टाइल की है, और इस तरह से वाइट साड़ी जैसे आलिया भट्ट ने वेयर किया था गंगूबाई वाले रोल में जो मेरे पास पिक थी, कुछ ऐसा ही हेयर स्टाइल साड़ी पूरा मेकअप हुआ था। तो मैंने पूरी कोशिश की है क्रिएट करने की, कहाँ तक मैं सफल हो पाई हूँ इस वाले मेकअप लुक को क्रिएट करने में, कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जो भी कमियाँ खामियाँ हो मुझे बताइए, तभी मैं उसमें सुधार कर पाऊँगी, है ना। वीडियोस को फुल वॉच करिए, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट या सजेशन हो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताया करिए। और इंस्टाग्राम पे भी आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करिए, मेकअप से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी मैं शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइज। तो फिर मिलेंगे एक नए एंड अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, अगला इंस्पायर्ड मेकअप लुक किसका देखना चाहते हो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।